ओडीआई वर्ल्ड कप के 7 ऐसे रिकॉर्ड्स जिनका टूटना लगभग नामुमकिन है। हर वर्ल्ड कप में कई रिकॉर्ड बनते हैं और कई रिकॉर्ड टूट भी जाते हैं। आज मैं आपको ओडीआई वर्ल्ड कप के 7 ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा जिनका टूटना लगभग नामुमकिन है। नंबर 6 वाला रिकॉर्ड तो कोई सपने में भी नहीं तोड़ सकता। नंबर 1, ओडीआई वर्ल्ड कप में लगातार 4 सेंचुरी। श्रीलंका के कुमार संगकारा ने 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप में बांग्लादेश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ लगातार 4 मैचों में 4 शतक जड़े थे। ओडीआई क्रिकेट में किसी और खिलाड़ी ने लगातार 4 शतक नहीं लगाए। भारत के हिटमैन रोहित शर्मा ने 2019 वर्ल्ड कप के दौरान लगातार 3 शतक लगाकर इस रिकॉर्ड को लगभग तोड़ दिया था। नंबर 2, एक ओवर में 6 छक्के। एक ओवर में 6 छक्के जड़ने की बात आती है तो युवराज सिंह का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन युवराज सिंह से पहले दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स ने 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में एक ही ओवर में 6 छक्के लगाकर क्रिकेट जगत को चौंका दिया था। 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान गिब्स ने नीदरलैंड के डॉनमैन के एक ओवर में 6 छक्के जड़े थे। नंबर 3, 4 बॉल में 4 विकेट। ओडीआई क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज ने केवल एक ही बार बैक टू बैक 4 विकेट लिए हैं। 2007 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मकाया एंटनी, सॉन पोलाक, आंद्रे हो और जैक कैलिस को लगातार 4 बॉल में आउट कर इतिहास रच दिया था। नंबर 4, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर। ओडीआई वर्ल्ड कप में अब तक केवल 3 दोहरे शतक बने हैं। 2015 में यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 215 रन बनाकर ओडीआई वर्ल्ड कप में पहला दोहरा शतक बनाया था। कुछ मैच के बाद ही न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 237 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जो ओडीआई वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। नंबर 5, एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 2019 वर्ल्ड कप में घातक गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए किसी भी वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। मिचेल स्टार्क ने 10 मैचों में 27 विकेट झटके थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड 26 विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा के नाम था। नंबर 6, लगातार 27 जीत। ओडीआई वर्ल्ड कप में लगातार सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है। ऑस्ट्रेलिया ने 20 जून 1999 से 19 मार्च 2011 के बीच लगातार 27 मैच जीते, जो कि अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया ने 3 लगातार ओडीआई वर्ल्ड कप के खिताब अपने नाम किए थे। वर्ल्ड कप में मॉडर्न डे क्रिकेट के इस दौर में लगातार 27 मैच तक अनबीटेबल रहना लगभग नामुमकिन है, यानी ये रिकॉर्ड वर्ल्ड कप के सबसे सेफ रिकॉर्ड में से एक है। नंबर 7, एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी। वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा के नाम है। रोहित शर्मा ने साल 2019 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ शतक जड़े थे और साबित कर दिया था कि क्यों वे हिटमैन के नाम से मशहूर हैं। एक वर्ल्ड कप में 6 सेंचुरी लगाना लगभग नामुमकिन है, यानी हिटमैन का ये रिकॉर्ड अनब्रेकेबल रह सकता है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या ये रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं? अगर हाँ तो कौन होंगे वो खिलाड़ी जो इन रिकॉर्ड्स की बराबरी कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं? कॉमेंट करके जरूर बताना।